Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. गड्डी माध्यम भक्तिधाम विकास समिति के स्थान है ये, और यहाँ पे जो जितने भी दाह संस्कार लॉकडाउन के बाद में किए गए, उनके दाह संस्कार करने के बाद में जो प्रशासन ने जो लॉकडाउन का जो आदेश दिया उसकी पालना करते हुए लोगों ने यहाँ पे सुरक्षित अपने अलमारी के अंदर जो अपने स्थान बना रखे हैं उसके अंदर अलमारियों में इन्होंने अपने पूर्वजों की हस्तियाँ सुरक्षित रख रखी है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे ये जो लॉकडाउन के बाद में जो गाड़ियाँ रेलगाड़ी वगैरह चालू किए, इसके अंदर हम प्रशासन और अपने नरेंद्र मोदी जी साहब प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं, रेल मंत्री से मांग करते हैं कि एक अपने हरिद्वार के लिए भी एक ट्रेन चालू करें, जिससे कि ये हमारे हिंदू संस्कृति की एक कामना होती है कि जब तक हम अपने पूर्वजों की अस्थियाँ गंगा के अंदर विसर्जित नहीं करते तो हमारे को भी मन को शांति नहीं मिलती और जाने वाले प्राणी की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। ये हमारी हिंदू संस्कृति कहती है। लगभग कितनी अस्थियाँ रखी हुई? करीब करीब अपने 100 के आसपास होने को जा रही है। और अस्थियों पर किस तरह से नाम लिखा हुआ है? जैसे उनके पूर्वजों के जो नाम हैं वो प्लस उनके फादर के नेम और एड्रेस के साथ में अपने थैलियों में डाल के और जैसा भी जो साधन बना रखा है उसके हिसाब से उसको मूर्त रूप दे रखा है और वो पर्चियाँ बनाकर अपने यहाँ सुरक्षित रख रखी है। नाम बताए? निमिचंद बबेरवाल, अध्यक्ष भक्तिधाम गड्डी माल्यान विकास समिति। लगा रखा है ये इसमें और